नमस्कार, मैं भारत दोषी गांधी दर्शन लेखक। इन दिनों देश में अहिंसा शब्द का बहुत प्रयोग हो रहा है, उसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी अहिंसा के बल पर देश को आजाद करवाया, लेकिन इस अहिंसा की जड़ें प्राचीन भारत में महावीर स्वामी और बुद्ध तक है। एक बार बुद्ध कहीं बैठे थे और वहां पे पशु बलि दी जा रही थी। बुद्ध ने कहा कि मेरी बलि दे दो, अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है तो पशु की बलि दे रहे हो तो मेरी बलि दे दो। लोगों के समझ में आ गया और बलि प्रथा बंद हो गई। यह बुद्ध की धार्मिक अहिंसा थी। एक बार वे जंगल में जा रहे थे और जंगल में एक हिंसक व्यक्ति के होने की बात ग्रामीणों ने कही, फिर भी बुद्ध वहां चले गए। बुद्ध की निडरता देख करके वह अंगुलीमाल संत अंगुलीमाल बन गया। यह बुद्ध की सामाजिक अहिंसा थी। बुद्ध के शिष्य ने सम्राट अशोक को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कलिंग युद्ध समाप्त हो गया और सम्राट अशोक प्रियदर्शी अशोक बन गया। इसी अहिंसा को महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो के माध्यम से प्रस्तुत किया और इसी अहिंसा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राजनीतिक रूप से प्रयुक्त किया और देश को आजाद करवाया। असहयोग आंदोलन चल रहा था तब चोरी चोरा में हिंसा हो गई। महात्मा गांधी ने समझ लिया कि अभी लोगों को अहिंसा समझ में नहीं आई है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद में महात्मा गांधी ने लगातार प्रयास किए अहिंसा सिखाने के। वे कहते भी थे, हिंसा होती है भीतर और अहिंसा सीखनी पड़ती है भीतर। नमक सत्याग्रह को भी अहिंसा की सीख का माध्यम माना जा सकता है। एक ब्रिटिश अधिकारी अर्ल विंटरसन ने तो ना समझी में कह भी दिया था कि उनकी गिरफ्तारी पर भारत में कोई कुत्ता भी नहीं भौंका। हुआ यह था कि महात्मा गांधी ने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व यंग इंडिया में एक लेख लिखा था जिसमें कहा था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो तो हड़ताल नहीं करे, जुलूस नहीं निकाले, क्रोध नहीं करे, और लोगों ने इसका पालन किया। महात्मा गांधी ने लोगों को अहिंसा सिखाई और देश को आजाद करवा दिया। इसी अहिंसा की मनुष्य को अपनी विकास यात्रा में हमेशा जरूरत रही है।